नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि टाटा ग्रुप की जो सब्सिडरी है टाटा एडवांस सिस्टम, वो यूरोप की मेजर एविएशन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाएगी C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और टाटा एडवांस सिस्टम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा गुजरात के वडोदरा में। और देखिए, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि C-295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यूरोप के बाहर और वो भी इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे गुजरात के वडोदरा में। और देखिए, इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लांट ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा, साथ ही इसमें जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेंगे C-295, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। देखिए, इंडिया ने एयरबस डिफेंस के साथ सितंबर 2021 में डील साइन की थी, जो थी 21,000 करोड़ रुपए की। इसके अंडर इंडिया एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था, जो रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एजिंग एवरो 748 प्लेन्स को। और इस डील के अंडर एयरबस 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करेगा फ्लाई अवे कंडीशंस में, वो बनेंगे इसकी स्पेन की फाइनल असेंबली में, और बाकी बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा एयरबस के साथ मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम। लेकिन देखिए, टाटा यहीं पर नहीं रुकने वाला है। ऐसा लगता है कि टाटा डिफेंस सेक्टर में एंड स्पेशली एविएशन सेक्टर में एक बड़ा गेम खेलने की तैयारी है, और इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, उसमें लिखा है टाटा एंड लॉकहीड मार्टिन इन टॉक्स टू मेक सिक्योरस की S-76 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। इसका मतलब टाटा अब एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स बनाने की भी प्लानिंग कर रहा है इंडिया में, एंड इट सीरियसली ए गुड न्यूज फॉर इंडिया। देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा की लॉकहीड मार्टिन के साथ, आप लोगों को पता होगा लॉकहीड मार्टिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ बातचीत चल रही है, जिसके अंडर टाटा सिरकोस की S-76 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहता है। देखिए, सिरकोस की S-76 एक मीडियम साइज हेलीकॉप्टर है, जिसे लगभग पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए। ब्रिटेन, जापान, स्पेन, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज की आर्म फोर्सेस इस हेलीकॉप्टर को यूज करती है। सिरकोस की वैसे तो एक डिफरेंट कंपनी थी जो इस हेलीकॉप्टर को बनाती है, लेकिन फिलहाल इस कंपनी को ओन करती है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एक अमेरिकन कंपनी है, जो फिलहाल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और देखिए, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये जो नेगोशिएशंस चल रही है टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच में, इसकी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को भी है, एंड डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसी डील को पुश ही करेगी, क्योंकि ऐसी डील इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पुश देने वाली है। देखिए, शायद आप लोगों को पता हो कि टाटा ग्रुप की जो सब्सिडी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL, उसका ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक कॉन्टेक्ट है। F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके दम पर पाकिस्तान बहुत उछलता है। इन एयरक्राफ्ट को भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, और शायद आप लोगों को जानकर हैरानी हो कि टाटा कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है इस F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग्स बनाने का। इसका मतलब F-16 एयरक्राफ्ट में जो विंग्स लगे हैं वो इंडिया की टाटा कंपनी बनाती है। साथ ही आप लोगों ने C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम भी सुना ही होगा, जिसे इंडियन डिफेंस फोर्सेज भी यूज करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी लॉकहीड मार्टिन ही करती है, और इस C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के भी कई कंपोनेंट टाटा एडवांस सिस्टम ही बनाती है। तो देखिए, ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग्स का और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स का, जो ऑलरेडी टाटा के पास है, ये एक पॉजिटिव साइन है, और इसी वजह से लगता है कि फ्यूचर में टाटा की डील हो सकती है लॉकहीड मार्टिन के साथ सिरकोस की S-76 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। और अगर ये डील फिनिश होती है, देन इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर इंडियन एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसके अंडर भी जो हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे वो ना सिर्फ इंडिया में यूज होंगे, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। हालांकि ये जो डील है ये अभी इनिशियल फेज में है, और कितने हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे या प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, इन चीजों को फाइनलाइज करना भी बाकी है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो हेलीकॉप्टर इंडिया में बनेंगे टाटा और लॉकहीड मार्टिन की डील के अंडर, इसमें कंसिडरेबल अमाउंट में इंडिजीनियस कंटेंट लगे होंगे। इसका मतलब ऐसे काफी कंपोनेंट होंगे इस हेलीकॉप्टर में जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और डेफिनेटली इससे इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। और जहां तक उम्मीद है, ये एक multi-billion-dollar डील होने वाली है। देखिए, अब थोड़ा बात करते हैं सिरकोस की S-76 हेलीकॉप्टर की। ये एक मीडियम साइज कमर्शियल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जिसे डिजाइन और प्रोड्यूस करती है अमेरिका की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिरकोस की एयरक्राफ्ट। ये इस कंपनी का पहला हेलीकॉप्टर था जिसे स्पेशली डेवलप किया गया था सिविलियन मार्केट के लिए। इसको डेवलप किया गया था 1970s के दौरान,
हालांकि अब इस हेलीकॉप्टर के कई वर्जन ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग ये कंपनी इस हेलीकॉप्टर की अराउंड 875 यूनिट प्रोड्यूस कर चुकी है। S-76 इज ऑफ ए कन्वेंशनल कॉन्फ़िगरेशन विद ए 4-bladed फुल्ली आर्टिकुलेटेड मेन रोटर एंड ए 4-blade एंटी टॉर्क रोटर। इसमें लगे हैं 2 टर्बोशाफ्ट इंजन जो पैसेंजर केबिन के ऊपर होते हैं। देखिये ये हेलीकॉप्टर ऑयल रिग से रिलेटेड ऑफशोर ऑपरेशन जो होते हैं उसमें काफी पॉपुलर है। इस हेलीकॉप्टर का सिविलियन यूज तो होता ही है, लेकिन वर्ल्ड की कई डिफेंस फोर्सेस भी इसको यूज करती हैं। इसका एक वर्जन है AUH-76। ये एक आर्म यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट वर्जन है जिसे डेवलप किया गया था S-76 Mark II से। इसका एक और वर्जन है H-76 Eagle। ये इस हेलीकॉप्टर का एक मिलिट्री वेरिएंट है सुटेबल फॉर नेवल ऑपरेशंस। देखिए अगर बात करें कौन कौन सी वर्ल्ड की आर्मीज इस हेलीकॉप्टर को यूज करती हैं, तो उनमें अर्जेंटीना, चाइना, जापान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, स्पेन, सर्बिया, थाईलैंड एंड UK। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक और नई डील की तरफ बढ़ रहा है जिसके अंडर वो बनाएगा सिरकोस्की S-76 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया, और इससे मिलेगा इंडिया की एविएशन सेक्टर को बूम। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।